बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज मैं आपको जैकेट वाली कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी रिसेंटली ही मैंने एक ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें एक मैंने जैकेट वाली कुर्ती दिखाई थी, तो बहुत से व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताएँ। तो आज मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो ब्लैक कपड़ा है, इसकी मैंने जैकेट बनानी है, और ये शर्ट की साइड से निकला है बॉर्डर जो मैं नीचे दामन पे और स्लीव्स पे अटैच करूँगी। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे लेस भी लगा सकते हैं, या जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगे उसे लिहाज से आप लगा सकते हैं। अब ये वाली जो लेस है आप देख रहे होंगे, ये मैंने जैकेट के राउंड शेप में लगानी है, जैकेट के ऊपर लगाऊंगी। और साथ में ये वाली जो लेस मैंने ली है यहाँ पे जॉइंट लेस, आजकल इस तरह की लेसेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बाजार से आसानी के साथ मिल जाती है, ये मैंने स्लीव्स पे अटैच करनी है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे ये वाला मैंने कपड़ा लिया है, मैं इसको नीचे से फ्रॉक बनाऊँगी, तो नीचे से बंद बनानी है मैंने कुर्ती की तरह। अगर आप इसको शर्ट बनाएंगे चौक वाली तो आप शर्ट भी बना सकते हैं, जितना आपका दामन हो आप उस हिसाब से चौड़ाई भी उसकी काट लें और लंबाई भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी मेरे पास कपड़े की चौड़ाई थी वैसी मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, और लंबाई यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट की तैयार 35 इंच रखनी है, तो यहाँ पे मैं 36.5 इंच तक लूँगी। जो 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी वो अंदर सिलाई में चला जाएगा और मेरे पास तैयार शर्ट की लेंथ जो है वो 35 इंच आ जाएगी। आपने अपनी लिहाज से लंबाई भी लेनी है और चौड़ाई भी आप जितनी रखना चाहते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे आप देखें मैंने ये वाला जो चौड़ाई में और लंबाई में अपना कपड़ा लिया था, इसको मैंने फोल्ड करके प्रेस करके यहाँ बिछा लिया है। और इसके बाद ये वाला जो ब्लैक कपड़ा है इसकी मैंने जैकेट बनानी है। यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक जैकेट दोनों बनाऊँगी, फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी। अगर आप डिज़ाइनिंग के तौर पर कपड़े के साथ लगाना चाहते हैं, आपके पास इतना कपड़ा अवेलेबल नहीं है, तो आप सिर्फ फ्रंट साइड पर भी जैकेट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कपड़े के साथ, वो भी बहुत खूबसूरत लुक देगी। तो यहाँ पे आपने चौड़ाई उतनी ही लेनी होगी जैकेट की जितनी आपकी आपका दामन होगा। तो यहाँ पे मेरा दामन 21 इंच है, तो मैंने चौड़ाई भी फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी 21 इंच ही ली है। और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, ये डबल है। तो लंबाई यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो थोड़ी सी हेल्दी लड़कियाँ होती हैं उनको उनकी जो जैकेट है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट जैकेट जो है उनको सूट नहीं करती, और जो पतली लड़कियाँ होती हैं उनको ज़्यादा लंबी जैकेट सूट नहीं करती, थोड़ी सी शॉर्ट जैकेट ही उनको सूट करती है। तो ये थोड़ी सी आपने टिप्स अपने जेहन में रखनी है। इसके बाद देखें यहाँ पे मैंने ये वाली जैकेट का जो कपड़ा है इसको फोल्ड करके बिछा लिया है, ये चौड़ाई में कम है, ये मैंने नॉर्मल जितनी मेरी शर्ट है उस हिसाब से मैंने इसकी चौड़ाई ली है, टोटल 21 थी तो उसका आप 10.5 इंच आ रहा है। कि नीचे वाला जो कपड़ा है वो मैंने नीचे से बंद फ्रॉक की तरह बनाना है, कुर्ती की तरह, तो वो मैंने इसकी चौड़ाई खुली ली है। ऊपर से मैं तीरा इसका अच्छी तरह से सेट करूँगी, बराबर नीचे जो कपड़ा है शर्ट का वो और ऊपर जैकेट का एक जैसा आ जाए। अब यहाँ पे मैं जो जैकेट की लंबाई रखूँगी वो मैं 14 इंच रखूँगी, तो मैं 15 इंच तक लूँगी, 1 इंच जो मैं एक्स्ट्रा लूँगी वो अंदर सिलाई और कटाई में चली जाएगी। आप देख लें आप जिस हिसाब से अपनी जैकेट की लंबाई रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इस तरह से देखें लंबाई मैंने जैकेट की 15 इंच ली है, और चौड़ाई मेरा जितना दामन था 21 इंच उस हिसाब से मैंने ली है, और ये डबल है। मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड की बना रही हूँ। पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अगर आपके पास कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं है या आप सिर्फ डिज़ाइनिंग के तौर पे फ्रंट साइड पे बनाना चाहते हैं तो फ्रंट साइड पे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मेरा तीरा जो है वो टोटल 15 है, तो उसका आप 7.5 इंच पर निशान लगाया है, और कंधे की जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच ली है। लेने के बाद इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने इसको ड्रॉ करके, नॉर्मल जिस तरह से हम शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे ही मैं इसको राउंड शेप देके इसकी कटिंग कर लूँगी। अब जस्ट यहाँ पे देखें मैंने तैयार जो लेनी है वो 19 है, तो 19 का हाफ 9.5 इंच है, तो यहाँ 9.5 इंच पे मैं निशान लगाऊँगी, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे फोल्डेड है। इस तरह से मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया। अब कमर जो है वो मैंने तैयार रखनी है 15, तो 15 का हाफ 7.5 है, तो यहाँ 7.5 इंच पर निशान लगाऊँगी। अब नीचे से मैंने इसको बंद रखना है। अगर आप चॉक्स वाली शर्ट बना रहे हैं तो नॉर्मल जिस तरह से नीचे हिप्स का निशान लगाते हैं, लगा के नीचे से आप जितना दामन रखें उस हिसाब से आप उसकी कटाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें मैंने ये वाले जो निशान लगाए हैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से देखें ये वाले जो मैंने निशान तैयार लगाए हैं, यहाँ से मैं 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी जो अंदर सिलाई में जाएगा। इस तरह से आप देखें नीचे से मैं इसको इस तरह से, जिस तरह से हम ए लाइन शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे मैं इसको शेप दूंगी, क्योंकि मैंने नीचे से बंद रखना है तो मैंने इसको दामन नीचे से खुला लिया है। अब यहाँ से आप देखें ये वाला जो कॉर्नर है ये मैं दोबारा से सेट कर लूँगी यहाँ से, ताकि इसकी कटिंग बिल्कुल एक जैसी आए।
अब देखें यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अगर आप जैकेट को अलग स्टिच करना चाहते हैं तो आप जैकेट को अलग स्टिच कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे इसे शर्ट के साथ ही अटैच करूँगी। इस तरह से देखें, अगर आप इसको अलग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैकेट को फ्रंट वाली जो साइड है यहाँ से अगर आप इसको चौकोर शेप देना चाहते हैं चौकोर शेप दे सकते हैं, राउंड शेप देना चाहते हैं राउंड शेप देके आप इसको अलग भी स्टिच कर सकते हैं और बाद में शर्ट के साथ पहन सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे इसको इसके साथ ही स्टिच करूँगी। तो बैक साइड जो है वो मैंने इस तरह से सीधी ही रखनी है पीछे से, तो इस तरह से फ्रंट वाली जैकेट और बैक वाली जो पार्ट है शर्ट का वो मैं लेके यहाँ से अपना बैक नेक जो है वो काट लूँगी। इस तरह से काटने के बाद इसको मैं अब साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पे ये वाली जो फ्रंट वाली जैकेट का जो पार्ट है इसको मैं आगे से राउंड शेप दूँगी। अगर आप आगे से इसको चौकोर शेप देना चाहते हैं चौकोर भी दे सकते हैं, राउंड शेप देना चाहते हैं राउंड भी दे सकते हैं, जो आपकी अपनी मर्ज़ी हो, आप जिस हिसाब से आगे से अपनी जैकेट को शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे नेक की जो टोटल चौड़ाई है वो 3.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच तक निशान लगाऊंगी क्योंकि 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। अंदर पाइपिंग जब लगाऊंगी तो वो सिलाई में चला जाएगा और लंबाई भी सेम उसी मेथड के साथ 7 इंच है, तो मैं 6.5 इंच लूँगी क्योंकि 1/2 इंच मैं कम ले रही हूँ। यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई भी मैं कपड़ा यूज़ नहीं करूँगी, इसी कपड़े पर मैं पाइपिंग लगाऊँगी तो वो 1/2 इंच अंदर सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से देखें चौड़ाई और लंबाई जितनी मेरे नेक की थी लगा के मैंने यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें तकरीबन मैं यहाँ 4 से 4.5 या 5 इंच तक का गैप दूंगी। देने के बाद निशान लगा के नेक की जो ऊपर से मेरी जितनी लंबाई है वहाँ से लेके नीचे मैंने 5 इंच तक निशान लगाया। लगाने के बाद वहाँ से मैंने नीचे तक राउंड शेप दी है इस तरह से। पहले भी मैंने आपको बताया आप अगर इस तरह से राउंड शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अगर आप इसको चौकोर ही रखना चाहते हैं तो चौकोर भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ऊपर से गला कटिंग करने के बाद नीचे से मैंने 5 इंच तक इसको सीधा छोड़ा है, छोड़ के इस तरह से देखें नीचे से मैंने इसको राउंड शेप दे दी है। ये वाली राउंड शेप जो है पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। तो यहाँ पर आप देखें फ्रंट वाली जो जैकेट का पार्ट है वो इस तरह से आएगा और सिलाई होने के बाद इसकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगी। अब यहाँ पे आप देख लें अगर पाइपिंग लगाना चाहते हैं पाइपिंग लगा सकते हैं, कोई लेस लगाना चाहते हैं लेस लगा सकते हैं, या कोई बॉर्डर अटैच करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर पाइपिंग और लेस दोनों अटैच करूँगी। तो अब यहाँ पर आप देखें मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है अपनी कुर्ती का और ये वाला जो गला मैंने जैकेट का काटा था ये मैं यहाँ पर रखूँगी। रख के इससे मैंने 1/2 इंच ज़्यादा मैंने नीचे से कुर्ती की नेक की कटिंग करनी है क्योंकि हमने ज़्यादा नीचे जो कुर्ती है उसका गला थोड़ा सा खुला लेना है, ये ना हो कि जब हम इसके ऊपर जैकेट रखें तो नीचे वाला जो गला है वो दिखाई दे, तो इसीलिए मैंने 1/2 इंच ज़्यादा लिया है। उसके बाद देखें ये वाला जो जैकेट का फ्रंट पार्ट है इसकी कटिंग करने के बाद इसको मैं इस तरह से फ्रंट वाली कुर्ती पर रख के फ्रंट का जो आर्म होल है इसको थोड़ा सा गहरा मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे अब स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी, उसके बाद में शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। तो ये वाली जो लेस ली है यहाँ पे आप देखें मैं सेंटर में लगाऊँगी और ये स्लीव्स का जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है यहाँ पे भी अटैच करूँगी। तो इस तरह से देखें मैंने स्लीव्स को फोल्ड करके यहाँ सेंटर से कट लगा लिया क्योंकि मैंने इसके सेंटर में लेस लगानी है। आप चाहें इस तरह के स्लीव्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, या जो आपको पसंद हो अगर सिंपल रखना चाहते हैं सिंपल भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे आप देखें ये वाला जो मैंने बॉडी ऊपर जैकेट अटैच की है सेम वही कपड़ा मैं आगे स्लीव्स के पे भी लगाऊंगी जो पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक लेगा। तो तकरीबन ये इसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है और बैक साइड जो है उसके साथ टोटल मैंने जो ये फ्रंट पे जो ब्लैक कपड़ा है ये और बैक साइड का जो कपड़ा है कुर्ती वाला दोनों को मिला के मेरे स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैंने तैयार 21 इंच लेनी है। तो यहाँ पे 21 इंच तक मैंने निशान लगा के स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है इसकी मैंने कटिंग की है, यहाँ पर मैं लेस लगाऊँगी। जो फ्रंट वाला ब्लैक वाला पार्ट है उसको मैंने कट नहीं किया है, यहाँ पे लेस लगाऊंगी और सेंटर में लेस लगाऊंगी और ये वाला जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पे मैं पेच अटैच करूँगी ये वाला बॉर्डर। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे मैं स्लीव्स का ये आर्म होल से लेके नीचे तक बिल्कुल सेंटर में ये लेस अटैच करूँगी।
ये सिंपल जॉइंट लेस है, बाज़ार से बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। आप इसकी जगह पे सीधी लेस भी लगा सकते हैं अगर आप ये वाले स्लीव डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से देखें, पहले मैंने रेस को सीधी साइड पे रखा है, उल्टा करके इस तरह से सिलाई लगाई है। लगाने के बाद इसको पलट के मैं लेस को, जो एक्स्ट्रा अंदर की कपड़ा था वो अंदर की साइड फोल्ड हो गया। करने के बाद बिल्कुल ये वाले कपड़े के किनारे किनारे पे सिलाई लगाई है ताकि लेस जो है वो कपड़े के साथ अच्छी तरह अटैच हो जाए। इसके बाद सेम इसी मेथड के साथ इस साइड पे भी मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटर में मैंने ये लेस अटैच कर दी है, जो पहनने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब फ्रंट पे भी मैं सेम उसी मेथड के साथ लेस अटैच कर लूँगी और आगे जो मैंने वो कपड़ा लिया है एक्स्ट्रा ब्लैक कलर का वो लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ सेंटर में भी और यहाँ पे भी मैंने ये लेस अटैच कर दी है। फ्रंट वाला जो आगे मैंने जैकेट की साथ का प्रिंटेड कपड़ा लिया उसको मैंने कट नहीं लगाया था। अब यहाँ पे फ्रंट पे मैं ये बॉर्डर अटैच करूँगी। तो इस तरह से उल्टी साइड पे मैं बॉर्डर को रखूँगी, यहाँ पे रख के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। बॉर्डर अभी मैंने उल्टी साइड पे रखा है, रख के मैं इसको सीधी साइड पे पलट दूँगी। इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं बॉर्डर को इस तरह से सीधी साइड पे पलटूंगी। पलटने से पहले ये वाला जो किनारा है यहाँ पे सीधा करके बिल्कुल इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा लूँगी ताकि बॉर्डर यहाँ से बॉर्डर की जो सिलाई है वो अच्छी तरह कपड़े के साथ अटैच हो जाए। इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद अब इस साइड से ये वाला जो बॉर्डर है एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको भी अंदर की साइड फोल्ड करके मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया और बहुत ही सफाई के साथ अटैच हुआ है। सेम इसी मेथड के साथ मैं शर्ट के फ्रंट पार्ट पे और बैक पार्ट पे भी बॉर्डर अटैच कर लूँगी। और आगे से आप देखें स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके मैं अब जितने खुले मैंने स्लीव्स रखने हैं उस हिसाब से रख के मैं सिलाई लगा लूँगी। लगाने के बाद दूसरा स्लीव्स भी इसी तरह से बना लूँगी, बना के मैं इनको साइड पे रखूँगी। अब मैं कुर्ती की स्टिचिंग करूँगी एंड में मैं कुर्ती के साथ स्लीव्स को अटैच कर दूँगी। तो अब यहाँ पर स्लीव्स बनाने के बाद ये वाली सबसे पहले मैंने अपनी जैकेट का फ्रंट पार्ट लेना है ये वाला, और इस पर मैं लेस भी मैंने पहले आपको जो दिखाई थी नेट वाली वो भी अटैच करूँगी और यहाँ पे ये वाली पाइपिंग भी अटैच करूँगी। ये सिंपल मैंने डोरी वाली पाइपिंग ली है, अगर आप इस ये वाली डोरी वाली सिंपल पाइपिंग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई लेस लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से जो आपको चीज़ पसंद हो वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लेस भी लगानी है तो पाइपिंग ये वाली जो साइड से एक्स्ट्रा पाइपिंग है मैं काटूँगी, पाइपिंग का साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं काटूँगी। तो इस तरह से आप देखें डोरी वाली पाइपिंग की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने काट लिया है। अब बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन होगा वीडियो देखने के बाद कि डोरी वाली पाइपिंग हम यहाँ राउंड शेप पे कैसे लगाएं। तो अगर आप सिंपल लेस वगैरह नहीं लगाना चाहते, डोरी वाली पाइपिंग लगाना चाहते हैं, तो उसके एक किनारे से इस तरह से डोरी खींच के कपड़े में इतनी लचक पैदा कर लें ताकि वो राउंड शेप में आसानी के साथ लग सके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पाइपिंग अटैच करूँगी, उल्टी साइड पे रख के मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा रही हूँ ताकि ये वाला जो पाइपिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा है ये सीधी साइड पे आ जाए और इसके ऊपर मैं लेस अटैच कर दूँगी। अगर आप सिर्फ पाइपिंग लगा रहे हैं तो आपने पाइपिंग को सीधी साइड पे रख के लगाना है और फिर उल्टी साइड पे फोल्ड करके आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काट लिया है, तो काटने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे डोरी पाइपिंग जो बहुत ही आसानी के साथ हमारे यहाँ राउंड शेप पे भी अटैच हो गई है। करने के बाद ये साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैं काट दूँगी। तो यहाँ पे आप देखें काट दिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। अब ये वाली जो पाइपिंग थी ये मैंने उल्टी साइड पे रखी थी, रख के अटैच की थी, तो इसको मैंने अब सीधी साइड पे पलटा है। पलटने के बाद अब यहाँ पर ये वाली जो लेस ली है ये नेट वाली लेस ली है, इसकी साइड से ये वाला जो एक्स्ट्रा नेट का कपड़ा है इसको फोल्ड करूँगी और ये पाइपिंग सीधी साइड पे फोल्ड करके बिल्कुल यहाँ किनारे किनारे पे लेस को रख के मैं
सिलाई लगाऊंगी। अब जो पाइपिंग का अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है, जब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी तो वो अंदर पाइपिंग के में फोल्ड हो जाएगा और हमारी यहाँ बाहर वाली साइड पे आप देख सकते हैं पाइपिंग जो है कितनी खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने लेस जो है वो इतनी ज़्यादा चौड़ाई में नहीं ली है, कम ली है, और उसमें लेस में लचक है तो वो आसानी के साथ यहाँ पे राउंड शेप में भी अटैच हो जाएगी। तो आपने भी अगर जैकेट को राउंड शेप में बनाना है तो आपने ऐसी लेस लेनी है जो यहाँ नीचे राउंड शेप में आसानी के साथ लग जाए। बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस जो है नीचे राउंड शेप में लगाना उसको मुश्किल हो जाता है, तो आपने लेस लेते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है। या फिर आप जैकेट पे सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखें, बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ मैंने लेस को रख के यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो आप देख रहे होंगे लेस के साथ पाइपिंग जो है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये वाली जो साइड है लेस की, इस साइड पे भी मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें मैंने दोनों साइड्स पे पाइपिंग और लेस अटैच कर दी है जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। अगर आप सिंपल पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो सिंपल पाइपिंग बहुत खूबसूरत लुक देती है। और इस तरह से देखें ये बैक वाली जो जैकेट का पार्ट है इसके सिर्फ नीचे मैंने यहाँ पे पाइपिंग और लेस सेम उसी मेथड के साथ अटैच की है। इसके सेंटर में यहाँ पर मैं एक डोरी लगाऊँगी, अगर आप बटन लगाना चाहते हैं तो बटन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें ये वाला जो मेरा फ्रंट पार्ट है यहाँ पे भी मैंने सेम जैसे स्लीव्स पे बॉर्डर अटैच किया था वैसे ही कर दिया है। नीचे बॉर्डर अटैच करके 2 इंच का गैप छोड़ के ऊपर फिर मैंने एक बॉर्डर लगाया है और बैक साइड पे मैंने सिंपल एक ही बॉर्डर अटैच किया है। और यहाँ पे आप देखें ये वाला मैंने कुर्ती ली है और फ्रंट का जो गला है वो मैंने पहले ही कटिंग कर लिया था, उसकी कटिंग मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर मैंने तिरछा और रेप में ये कपड़ा लिया है, इसको उल्टी साइड पर रख के मैं यहाँ पर सीधी पहले सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद अब मैं इसको देखें इस तरह से सीधी साइड पे मोड़ के सफाई के साथ बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो स्टिक पेपर डाल के भी गला बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, मगर मैं यहाँ पे सिंपल तिरछा कपड़ा लेके यहाँ पे नेक बना रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर जैकेट आ जाएगी, नीचे वाला नेक जो है वो दिखाई नहीं देगा। इस तरह से देखें ये तिरछी जो अरेप वाली पट्टी थी इसको मैंने फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पे इसको उल्टा करूँगी, इस तरह से उल्टा करके ये वाला जो आप देख रहे होंगे नेक का ये वाला कॉर्नर जो है उल्टी साइड पे इसको मैं यहाँ पे मिले उसके कुल इसके किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, ताकि क्योंकि हमारे गले की वी शेप है यहाँ से हमारे नेक की जो शेप है वो बिल्कुल वी शेप बन जाए। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है नेक को। प्रेस करने के बाद आप देखें यहाँ पे मैंने इसका ये वाली जो जैकेट बनाई है ये रखूँगी मैं, इसको बिल्कुल साथ ही अटैच करूँगी। मैंने पहले भी आपको बताया अगर आप जैकेट को अलग स्टिच करना चाहते हैं तो अलग भी स्टिच कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इस तरह से फ्रंट पार्ट पर मैं रख के जैकेट को अच्छी तरह से सेट करूँगी। सेट करने के बाद ऊपर का जो आर्म होल है यहाँ से मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। पहले मैंने इसको अच्छी तरह से सेट करना है, तो यहाँ सेंटर में मैं टसल लगाऊंगी और ऊपर यहाँ से मैं इसको सिलाई के साथ अटैच कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मैंने दोनों साइड से आर्म होल से सिलाइयाँ ऊपर शोल्डर से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, जैकेट को फ्रंट साइड से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें मैंने कुर्ती की ये बैक साइड ली है, उल्टी साइड पर मैंने जैकेट को रखना है। इस तरह से ये बैक साइड का जो जैकेट का पार्ट है इसको मैं उल्टी साइड पर रख रही हूँ। यहाँ पर रख के बिल्कुल राउंड शेप में ये वाली जो मैंने कटिंग की है यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। लगा के जब मैं इसको सीधी साइड पे पलटूँगी तो मेरी जैकेट जो है वो शर्ट की सीधी साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें मैंने उल्टी साइड पे रख के इसको राउंड शेप में सिलाई लगा ली है। तो अब मैं जब इसको सीधी साइड पे पलटूँगी इस तरह से जैकेट को तो ये मेरी सीधी साइड पर चली जाएगी। तो यहाँ शोल्डर से मैं गुम सिलाई अटैच करूँगी, तो ये वाला जो ब्लैक पार्ट है ये मैंने
यहाँ ब्लैक पार्ट के साथ मिला के शोल्डर से इस तरह से सेंटर में मैंने इसको रखा है। फ्रंट पार्ट को रख के इस तरह से शोल्डर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर से सिलाई लगा ली है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे शोल्डर की मैंने ये गुम सिलाई लगा ली है। सारी जो अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की साइड फोल्ड हो गया है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट जो है बैक साइड के शोल्डर के सेंटर में रख के मैंने सेम वैसी ही सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद अब बिल्कुल आप देख रहे होंगे यहाँ पे गुम सिलाई के साथ हमारा शोल्डर अटैच हो गया है, कोई भी बाहर वाली साइड पे सिलाई नहीं आई है। अब यहाँ पे इस तरह से ये शोल्डर से भी मैं इसको सिलाई लगा लूँगी ताकि जैकेट और नीचे वाली जो शर्ट है दोनों का यहाँ शोल्डर से आर्म होल से कपड़ा जो है वो अटैच हो जाए। जब मैं स्लीव्स अटैच करूँ तो सिलाई जो है वो आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पे आप देखें मैंने दोनों साइड से ये आर्म होल से सिलाई लगा ली है। जैकेट और शर्ट की को आपस में स्टिच कर लिया है। अगर आप चाहें तो जैकेट को अलग भी स्टिच कर सकते हैं। ये अब यहाँ पे आप देखिए जैकेट अटैच करने के बाद मैंने सबसे पहले ये वाली नीचे से मैंने पहले ही बॉर्डर नीचे मैंने अटैच कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों साइड पे सेम उसी मेथड के साथ जैसे मैंने स्लीव पे अटैच किया है। यहाँ से जैकेट को अच्छी तरह से सेट करना है। सेट करके यहाँ पे पिन लगा लूँगी। लगाने के बाद सेंटर से मैं सिलाई लगा लूँगी अपनी कुर्ती की, जितनी मुझे खुली कुर्ती चाहिए थी उस हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा ली है। नीचे से मैंने इसको बंद ही रखा है। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स अटैच करने हैं, तो ये वाले जो मैंने स्लीव्स बनाए थे बना के अब मैं इनको इस तरह से शर्ट के अंदर डालूँगी। डालने के बाद ये वाली जो सिलाइयाँ हैं इनको नीचे से यहाँ से जोड़ के गोल गोलाई में मैं स्लीव्स को अटैच कर लूँगी दोनों को। तो यहाँ पे आप देखें साइड्स की सिलाइयाँ लगा के मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए थे। स्लीव्स अटैच करने के बाद इसको मैंने सीधा किया है, करने के बाद प्रेस कर लिया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर जैकेट बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। तो जैकेट को बंद करने के लिए मैंने यहाँ सेंटर में ये बाज़ार से बना हुआ मैंने टसल लिया था, इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। आप अगर चाहें तो इसके सेंटर में बटन भी लगा सकते हैं। बैक साइड से भी आप देखें जैकेट जो है बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। तो इस तरह से मैंने इसको साथ ही जैकेट को अटैच किया है। इस तरह से ये होता है कि ये आर्म होल से भी बहुत ही फिटिंग से भी बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ और साथ ही शर्ट के अटैच हो जाती है। अगर आप इसको अलग स्टिच करना चाहते हैं तो अलग भी स्टिच कर सकते हैं। नीचे दामन पे आप देखें फ्रंट साइड पे मैंने डबल बॉर्डर अटैच किया है और बैक साइड पर सिंगल, और स्लीव्स को भी स्लीव्स की भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। सेंटर में ये लेस अटैच की है, ये पहनने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो जो है कुर्ती की आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप यहाँ पिक्चर पे भी देख रहे होंगे पहनने के बाद ये कुर्ती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है। तो इंशाल्लाह इस बहुत ही डिटेल के साथ मैंने हर चीज़ आपको बताई है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।